हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो क्लास टेंथ के कैरिकुलम जो है इशू हो चुका है फॉर दी बोर्ड एग्ज़ाम 2022, और उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि क्लास टेंथ साइंस का जो है ना आपका सिलेबस प्लस में चैप्टर वाइज मार्क्स, पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न कितना इंटरनल है, इंटरनल मार्क्स किस तरीके से देना है, सब कुछ यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी बिना टाइम वेस्ट किए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर तो ये दिया हुआ है कि मतलब कि जो पूरा क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का 80 मार्क्स का वही रहेगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा जिसके अंदर 46% क्वेश्चन जो है डेमोस्ट्रेट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर होगा, कॉन्सेप्ट और नॉलेज बेसिस पे जो एप्लीकेशन आएंगे वो 22%, एनालाइज एवेलुएट एंड क्रिएट पर 32% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है, नोट आपको दिए हुए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अल्टीमेटली जो है 33% इंटरनल चॉइस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये देखें, इंटरनल असेसमेंट के लिए इस बार पहले से डिफाइन कर दिया कि इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से स्टूडेंट को देना है। यहाँ पर पीरियोडिक जो असेसमेंट है वो 10 मार्क्स का है जिसके अंदर 3 टेस्ट लिए जाएंगे, 3 टेस्ट के अंदर जो भी वेस्ट 2 में स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उसी को यहाँ पर डाला जाएगा। प्रैक्टिकल वर्क के लिए 5 मार्क्स और पोर्टफोलियो के लिए 5 मार्क्स, मतलब टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल जो है आपको यहाँ से मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस, और सिलेबस के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो है ना टोटल यहाँ पर जो लाइक यूनिट वाइज आपको मार्क्स दिए हुए हैं। लाइक आपका पहला हो गया केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, मतलब पूरा का पूरा केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो 25 मार्क्स का है, तो ये आपको देखना है। वर्ड ऑफ लिविंग, वर्ड ऑफ लिविंग मतलब ये जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट हो गया 6th, 7th, 8th, क्योंकि इस बार आपका पूरा सिलेबस आ रहा है तो 6th, 7th, 8th और 9th ये चैप्टर मिलाकर 23 मार्क्स। नेचुरल फिनोमिना जिसके अंदर लाइट हो गया, उसके बाद लेंसेज वगैरह वाला जो चैप्टर है तो वो आपका 12 मार्क्स का, करंट वाला जो करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों चैप्टर मिलाकर 13 मार्क्स, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज वो आपका 7 मार्क्स का टोटल चैप्टर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है और इस साल का सिलेबस बहुत डिफरेंस है, क्योंकि लास्ट ईयर 30% इन जो है रिड्यूस करके सिलेबस आया था, और इस बार देखोगे आपको सारी चीज़ें आपको मिस में मिलेंगी। लाइक पिछली बार जो है कार्बन कंपाउंड में बहुत सारा चीज़ उन्होंने हटा दिया था, लेकिन उसे दोबारा से यहाँ पर जोड़ दिया है। उसके अलावा जो है लास्ट टाइम पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरी तरीके से हटा दिया गया था, लेकिन इस साल जो है आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पढ़ना है। नेचुरल फिनोमिना के अंदर भी वो सारे चैप्टर, करंट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब 14, 15 और 16 तीनों के तीनों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जबकि लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर था, ठीक है ना। तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, और एक बार आपको क्या करना है इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो इसका PDF जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हो, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसी टारगेट के बेसिस पे आप करते रहेंगे। बाकी जो है इससे पहले मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका भी मैं क्या करती हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप क्या करना उसे भी देख लेना और उसका PDF भी डाउनलोड करके रख लेना।